आई होप स्क्रीन सबको दिख रही होगी, विजिबल होगी। यस यस मैडम। ठीक है, तो आज हम ये एक सिंपल ऐप के थ्रू तो हम कैसे स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं वो हम इस सेशन में सीखेंगे। आपने एनिमेशन के बारे में तो प्रीवियस सेशन में समझ लिया होगा कि एनिमेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एनिमेशन होते हैं और एनिमेशन समझा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हम ये छोटे छोटे सब्जेक्ट स्पेसिफिक और ये एनिमेशन। यस डॉक्टर मोनिका जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है डॉक्टर प्राची। अच्छा, आई थिंक मेरा इंटरनेट हो रहा है। अभी ठीक आ रहा है? अभी ठीक आ रही है? यस यस मैम जी, ठीक है। ठीक है, करिए, मैं खुश होगा तो मैं आपको फिर बताती हूँ जी। थैंक यू। मोशन एनिमेशन क्या होता है? स्टॉप मोशन एनिमेशन एक टेक्निक है एनिमेशन की, जिसमें हम ऑब्जेक्ट में एक मोशन को फील करते हैं। वो मोशन जो हम फील करते हैं वो केवल इल्यूजन होता है, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव नहीं करते हैं। स्टॉप मोशन एनिमेशन में हम जो भी हमें एनिमेशन क्रिएट करना होता है हम उसकी डिफरेंट फोटोग्राफ्स को क्लिक करते हैं और एक सर्टेन पोजीशन पे उनको रखते हैं कि हमें इस शॉट के बाद ये नेक्स्ट शॉट हमें ये चाहिए। हम एक सीक्वेंस पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं कि हमें किस सीक्वेंस में क्या शॉट चाहिए, उसी सीक्वेंस में हम उनकी फोटो क्लिक करते हैं और उन इमेजेस को एक सीक्वेंस में जब हम प्ले करते हैं तो हमें लगता है कि वो मूवी प्ले हो रही है और एक मोशन हमें उसमें दिखाई देता है जिसे हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं। जबकि रियलिटी में वो एक इल्यूजन होता है मोशन का, और वो ऑब्जेक्ट जो पिक्चर्स हैं वो एक्चुअल में मूव नहीं करती, लेकिन हमें इल्यूजन होता है कि वो मोशन हो रहा है, इसीलिए हमें मूविंग सिचुएशन में दिखता है। तो ये होता है स्टॉप मोशन एनिमेशन। अब डिफरेंट टाइप्स क्या है स्टॉप मोशन एनिमेशन की, हम कैसे किस किस तरीके से हम स्टॉप मोशन एनिमेशन जो है एनिमेशन वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोशन, जब हम कोई भी एनिमेशन किसी ऑब्जेक्ट को यूज करके बनाते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट मोशन एनिमेशन कहते हैं। क्ले मोशन, जिसमें हम क्ले का यूज करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्ले मोशन। कटआउट मोशन, जहां हम पेपर कटआउट को यूज करते हैं और पेपर कटआउट से हम क्रिएट करते हैं तो कटआउट मोशन होता है। पपेट एनिमेशन, जिसमें हम कोई भी पपेट यूज करते हैं एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, इसमें हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ब्लेंडर है, सिंपिक स्टूडियो, पेंसिल 2D है, ये बहुत सारे फ्री एंड ओपन सोर्सेस टूल हैं। तो इसमें आज हम जो टूल सीखेंगे, यहाँ पर जो डेमोस्ट्रेट करेंगे वो है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप। ये मोबाइल बेस्ड ऐप है, मोबाइल पर इसका आउटपुट जो यूजर फ्रेंडली है, मोबाइल पर इसका आउटपुट ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें इसमें इस ऐप के थ्रू एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारे पिक्चर्स को क्लिक करना पड़ता है। तो ये यूजर फ्रेंडली ऐप, जो फोन पर ही अगर हम यूज करते हैं तो वो थोड़ा यूजर फ्रेंडली रहता है। ये आप देख सकते हैं, इस ऐप का लोगो है, स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप का ये लोगो है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब अगर हमें इस ऐप को यूज करके हमें एनिमेशन क्रिएट करना है तो क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या हमें जरूरत है कि हम क्या क्या चीज की हमें जरूरत पड़ेगी उस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए। तो फर्स्ट है स्मार्टफोन, ऑफ कोर्स स्मार्टफोन होगा क्योंकि हमें वो ऐप, हमें ऐप बेस्ड, वो फोन बेस्ड ऐप है तो हमें फोन की, स्मार्टफोन की जरूरत है इसमें। सेकंड है स्टोरी लाइन,
आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए जिस पे बेस्ड आप वो एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे आपको कोई ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिसको आप आपको पता है कि वो थोड़ा सा अगर हम उसे लेक्चर मेथड से या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो उतना अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट कि किस कॉन्सेप्ट पे आपको एनिमेशन क्रिएट करना है, उसकी स्टोरी लाइन डिफाइन करनी होगी। फिर है स्टोरी बोर्ड, स्टोरी फिर आपको जो भी एनिमेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं जिस स्टोरी पर बेस्ड उसका एक स्टोरी बोर्ड आपको क्रिएट करना होगा। स्टोरी बोर्ड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी पूरी फिल्म का कि हम हर सीक्वेंस को एक ग्राफिकली पेपर पे या डिजिटली कैसे भी उसको हम क्रिएट करते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि हमारा जो अभी फ्रेम है उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम हमारा क्या होगा। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये स्टोरी बोर्ड का एग्जाम्पल है जिसमें एक सिंपल सी स्टोरी को हमने फ्रेम वाइज डिवाइड करके उसको ग्राफिकली ये पेपर पे पेन से ही बनाया गया। हम इसे कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इसे पेपर पे क्रिएट कर सकते हैं, हम इसे डिजिटली भी कर सकते हैं, तो किसी भी फॉर्म में हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी और फेमस स्टोरी है कि एक ट्रस्टी क्रो की वो कौवा था, वो बहुत प्यासा था, वो कैसे पानी को ढूंढ रहा था, तो उस स्टोरी को एक फ्रेम स्टोरी बोर्ड उसका बनाया गया। तो फ्रेम वन में जैसे कि वो जो कौवा है वो देख रहा है कि कहाँ पानी है, सेकंड फ्रेम में वो थोड़ा सा नीचे और थोड़ा उसकी पोजीशन जो आप देखेंगे थोड़ा नीचे की तरफ आया कि जहां पर उसको एक पॉट दिख रहा है जहां पर पानी है, थर्ड में वो थोड़ा और नीचे आया, फोर्थ में वो बिल्कुल मटके के उसको हम एक पेपर पे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम जब एक्चुअल में उस एनिमेशन को शूट करेंगे तो हमारा सेकंड फ्रेम क्या होना चाहिए, हमें हमारी पूरी मूवी का एक आइडिया मिल जाता है कि हमारी मूवी जो है इस तरीके से शूट की जाएगी और उसका आउटपुट इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। तो ये एक इससे हमें ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि कोई एरर नहीं होती, कि अगर हमने स्टोरी बोर्ड नहीं बनाया है और हम डायरेक्टली किसी एनिमेशन को हम शूट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ माइंड में स्किप हो गया कि हमें लगता है कि फ्रेम एक फ्रेम और एड होना चाहिए था, तो उसके लिए आपको पूरा रीडू करना पड़ेगा वर्क। स्टोरी बोर्ड से ये होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि ये फ्रेम हमारा एडिशनल है, हमें इसकी जरूरत है या ये या हमें इसको हटाने की जरूरत है या हमें ऐड करने की जरूरत है, तो एक कंप्लीट पिक्चर हमें अपने मूवी की मिल जाती है स्टोरी बोर्ड से। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है कि जब हम जिससे कि हम स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट करेंगे, तो पहला स्टेप तो यही होता है कि हमें अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड करना है जो आपको यहाँ दिख रहा है कि स्टॉप मोशन स्टूडियो ये ऐप है, हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब हम इस ऐप को ओपन करेंगे फोन में तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन हमारे फोन पे विजिबल होगी जिसको हम डैशबोर्ड कहते हैं। ये डैशबोर्ड आपके सामने अपीयर होगा जिसमें कुछ आपको आइकन्स दिख रहे होंगे, तो ये जो प्लस वाला आइकन आप देख रहे हैं न्यू मूवी, हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके की स्क्रीन हमारे मोबाइल फोन पर हमारे अपीयर होगी जिसमें आप देखेंगे कि कुछ आइकन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे और नीचे भी आपको एक आइकन दिख रहा होगा। तो ये आइकन क्या है ये हम देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे कैमरे का आइकन है जिससे हम अपने फोटोज को क्लिक करेंगे इस आइकन से। ये अंडू का आइकन है सेकंड नंबर, और फोर्थ नंबर जो आइकन है वो प्ले का आइकन है। जब हम सारे फोटो क्लिक कर लेंगे तो प्ले पर क्लिक करके वो हमें एक प्रीव्यू देगा हमारी मूवी का कि आपकी मूवी का प्रीव्यू किस तरीके से मूवी हमारी रन हो रही है, तो इससे हम प्ले कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आइकन है फर्स्ट आइकन है जो एरो आइकन है बैक का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। सेकेंड नंबर आइकन है वॉइस ओवर का आइकन है, इसमें हम जो भी हम स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं जो भी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके
का स्टोरी का नरेशन ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये भी है कि हम कोई स्टोरी ऐड करना चाहें या कुछ इंस्ट्रक्शन हम देना चाहें, कुछ भी अगर हम ऐड करना चाहते हैं वॉइस ओवर, इसमें इस आइकन को यूज करके हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी मूवी के साथ उसको ऐड कर सकते हैं। थर्ड नंबर आइकन आप यहाँ देख रहे हैं, प्लस का आइकन है, जिसमें आप देख सकते हैं ऐड इमेजेस, ऐड ऑडियो, क्रेडिट्स एंड मोर। तो इसमें आप कोई भी एक्सटर्नल अपनी फोन गैलरी से इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। आप मूवी, जो भी आपने मूवी बनाई है उसमें पहले टाइटल देना, फिर लास्ट में उसके क्रेडिट्स देना या कैप्शन देना, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया था, फ्री एंड ओपन सोर्स है, लेकिन इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो पेड वर्जन में अवेलेबल है। तो ये जो एक्सटर्नल इमेज को ऐड करना, एक्सटर्नल ऑडियो ऐड करना, क्रेडिट्स ऐड करना, ये जो फीचर है ये हमारे फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। ये स्टॉप मोशन स्टूडियो प्रो वर्जन में अवेलेबल है, जो वन टाइम पेमेंट होता है इसका, आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, फिर ये आप इन जो एडिशनल कुछ फीचर्स हैं उनको यूज करते हैं, अदरवाइज बाकी फीचर्स को आप फ्री वर्जन में यूज कर सकते हैं। फोर्थ आइकन जो है ये आपका सेटिंग आइकन है, जिसमें आप इस मूवी की स्पीड को आप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को सेट कर सकते हैं, आपको HD में चाहिए, अल्ट्रा HD में चाहिए। तो इस तरीके से इसमें काफी फीचर्स हैं जो हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या फीचर्स हैं। ये बॉटम में आप एक आइकन देख रहे हैं कि टाइमलाइन है, जितने भी आप अपने पिक्चर्स क्लिक करेंगे अपनी मूवी को क्रिएट करने के लिए, वो सारे पिक्चर्स हमें यहाँ एक सीक्वेंस में दिखते जाएंगे। इससे सारे फ्रेम्स आपके यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे, जब आप सारे पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे तो ये फ्रेम, सारे फ्रेम्स यहाँ अपीयर होंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको अगर तीन नंबर या चार नंबर वाले आकर आप उस पर्टिकुलर फ्रेम को सेलेक्ट करके और एडिटिंग जो ऑप्शंस वो आपको देता है उससे एडिट भी कर सकते हैं। तो इसे हम पर फ्रेम को यहाँ पर टाइमलाइन से हम अपने मूवी के हर फ्रेम को एडिट कर सकते हैं। अब मैं कैमरे वाले आइकन पे अगर क्लिक करती हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की स्क्रीन मिलती है मोबाइल पर, जिसमें फर्स्ट ये बैक बटन है जिससे आप इससे प्रीवियस वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं। सेकंड है टाइमर है, इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली किसी पिक को क्लिक नहीं करना चाहते हैं, कई बार हम क्लिक करते हुए हमारा हैंड शेक हो जाता है तो वो हिलने के चांसेस या ब्लर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि हमारा हर पिक्चर 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद अपने आप क्लिक होता रहे। इससे फायदा ये कि हमारा मैनुअल एफर्ट्स कम हो जाते हैं, प्लस हिलने के और शेक होने के चांसेस या पिक्चर्स के ब्लर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। थर्ड आइकन है ये, इससे आप क्लिक करके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ये प्ले बटन है, आप ये नीचे कुछ बार्स देख रहे होंगे, तो ये क्या है ये देखते हैं। विजिबल नहीं हो रहा है क्या, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आप? हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ ये आप लास्ट में कुछ बार्स देख रहे हैं, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ हमें एडिशनल फीचर्स इसमें दिखते हैं, जिसमें कि हम ब्राइटनेस। जी मैम, बनाने के बाद इसको लोड कैसे करते हैं? मैम मैं उस पे आऊंगी, पहले हम बनाना तो सीख लें। ओके ओके, उसके बाद देखेंगे कि उसको कैसे हम शेयर करेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, वो भी उस पे भी आऊंगी। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास फीचर्स हैं इस ऐप में। ठीक है मैम, उस पर भी अभी आएंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्राइटनेस है, जूम है, आप जूम भी कर सकते हैं, टेक्स्ट अगर है तो उसका साइज भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे, जैसे कि मैंने बताया था ये टाइमर सेक्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइमर आ जाएगा कि आपको ये, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये टाइमर आ गया कि आपको कितने सेकंड का टाइमर इस पर सेट करना है। जितने भी सेकंड का हम सेट करेंगे ऑटोमेटिकली उतने सेकंड के बाद हमारी ऑटो कैप्चर पिक्चर होने लगेगी। अब जैसे ये मैंने बताया था, मैंने एक स्टोरी क्लिक कर ली है, आप यहाँ देख सकते हैं हम मेन स्क्रीन पर आ गए हैं, जहां पर हम ये आइकन्स आपको दिख रहे होंगे जो मैंने बताए थे।
और कहा था कि बॉटम में हमारी टाइमलाइन आती है, तो आप ये देख सकते हैं 1/37। मैंने जो स्टोरी, ये स्टोरी बोर्ड में हमने देखा था कि हमने एक स्टोरी बनाई थी सिस्टिक ग्रो के लिए, तो इस मूवी को शूट करने के लिए, इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर 37 फ्रेम क्लिक किए हैं, जिसमें वो पूरी स्टोरी हमारी कवर हो रही है और ये पूरे 37 फ्रेम हमारे टाइमलाइन में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे टाइमलाइन में सारे फ्रेम्स दिखने लगते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप। अब जैसे ये देख सकते हैं कि 20 नंबर का जो फ्रेम है, इसमें मुझे कुछ एडिट करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूं या मैं इसको यहाँ से मतलब इसको पॉज कर दूं। तो अगर हम उस पर्टिकुलर फ्रेम पे जिस पे हमें एडिट करना है उस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पॉपअप स्क्रीन आपके सामने आएगी, जिसमें कुछ आपको एडिटिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप 2-3 फ्रेम्स को सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। अगर लगता है कि ये फ्रेम आगे भी रिक्वायर्ड है कुछ, अगर 20th फ्रेम जो है मुझे 25th के बाद भी चाहिए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, तो हम सेलेक्ट करके उसको कॉपी करके आगे भी पेस्ट कर सकते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। पॉज कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगी पॉज के क्या, पॉज हम क्यों करते हैं। ये एक ऑडियो का आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो ये प्लस साइन है इस पर हम क्लिक करते हैं तो ऐड ऑडियो का ऑप्शन आता है। तो ये जो ऑप्शन है वो एक्चुअली जो इसका एडवांस वर्जन है, प्रो वर्जन है, उसके उसमें आपको मिलेगा, फ्री वर्जन में नहीं है। इस पर आप क्लिक करके आपके डिवाइस में जो भी एक्सटर्नल ऑडियो है उसको आप अपनी मूवी के साथ एम्बेड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे फ्री वर्जन पे काम कर रहे हैं, हम फ्री वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, तो ये वाला जो फीचर है एक्सटर्नल ऑडियो को एम्बेड करने का, वो अभी आपको इस फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इस ऑप्शन से हम हमारे एक्सटर्नल ऑडियो को अपनी मूवी के साथ एम्बेड कर सकते हैं। प्लस जो मर्ज ऑप्शन है और रिवर्स का ऑप्शन है, ये भी मर्ज और रिवर्स ये भी हमारे फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ये हमारे प्रो वर्जन में अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। अब मूवी मैंने अपने टाइमलाइन में अपने फ्रेम्स को एडिट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस मूवी के साथ इस मूवी का नरेशन भी, इसकी स्टोरी भी एम्बेड करूं, ताकि वो और अच्छी लगेगी। खाली मूवी बिना किसी ऑडियो के उतनी अपीलिंग नहीं लगती, उतनी अट्रैक्टिव लगती कि मतलब वो ध्यान नहीं जाता। यहाँ पर जो आपको एक वॉइस का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक किया तो आपको इस तरीके की स्क्रीन आपके मोबाइल पर दिखेगी, जिसमें ये रिकॉर्ड का जो बटन है, रेड बटन रिकॉर्ड का है, इस पर आप क्लिक करके अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड कर सकते हैं उस ऐप में। मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की, उसके बाद आप रिकॉर्ड करने के बाद उसको पॉज करके प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्टोरी है वो आपकी मूवी के साथ प्ले हो रही है। तो साथ में हम अपनी इस तरीके से हम अपनी वीडियो में ऑडियो भी एम्बेड कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड, अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्री वर्जन में केवल रिकॉर्डेड ऑडियो ही एम्बेड कर सकते हैं। हम अपने डिवाइस से एक्सटर्नल इमेजेस, एक्सटर्नल ऑडियो फ्री वर्जन में एम्बेड नहीं कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको ये बताया था कि एक ये सेटिंग जो ऑप्शन है, तो देखते हैं कि ये सेटिंग ऑप्शन में हमें क्या क्या मिलता है। हमने सेटिंग बटन पे क्लिक किया तो ये इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने विजिबल होगी। फर्स्ट है, आप अपनी मूवी की स्पीड इससे सेट कर सकते हैं। अगर आप 1 रखेंगे तो 1 सेकेंड पर फ्रेम आपकी ये रहेगी। जितना आगे जाएंगे, जैसे 2 करेंगे तो 0.2 नंबर सेट करेंगे, उतनी ही मूवी आपकी फास्ट हो जाएगी। 1 पर आपकी मूवी पर 1 सेकेंड पर फ्रेम रहेगी, उतना स्लो होगी, और जितना भी आप आगे इंक्रीज नंबर इंक्रीज करेंगे उतनी ही मूवी की स्पीड
फास्ट हो जाएगी। तो हम इससे अपनी मूवी की स्पीड को सेट कर सकते हैं, इसमें हम फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, फोरग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जितना भी इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि सारे फीचर इसके जैसे अगेन नहीं है अवेलेबल। तो जो जो फीचर्स हमारे जैसे ये फेड है तो मूवी हमारी फेड से स्टार्ट हो, फेड पे एंड हो, तो इस तरीके से आवाज ब्रेक हो रही है, एस्पेक्ट रेशियो हम इससे चेंज हैं। अच्छा मेरी आवाज आ रही, अब ठीक आ रही है जी मैम? ऑडिबल नाउ? यस यस मैम। ठीक है, ये हमारा फोरग्राउंड है कि अगर हम जैसे हमारे ये टेबल का टेबल की भी हमारे साथ इमेज आ रही है, टेबल ही अपीयर हो रही है, तो हम फोरग्राउंड भी इसका चेंज कर सकते हैं। और ये हम फिल्टर है, फिल्टर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, तो इस तरीके से कुछ फीचर्स हैं जी। आपका वॉइस बहुत कट रहा है मैम, क्या मेरी आवाज कट रही है? नहीं कट रही है मैम, उनके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। अच्छा उनके यहाँ नहीं 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 मैम, वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस यस वॉइस इज ब्रेकिंग मैम। यस मैम इट्स ब्रेकिंग, आवाज वॉइस कट रही है। ओके ओके सर, वी विल लेट मी जस्ट रिजॉल्व दिस इशू, गिव मी सर गिव अस अ मिनट, वी विल रिजॉल्व दिस इशू, जस्ट गिव अस अ मिनट। आई एम चेकिंग माय इंटरनेट। Okay, okay, I'm checking it. आई होप अब आपको मेरी आवाज ठीक आएगी। मैम आप एक सेंटेंस पूरा बोल दीजिए तो हमें पता चल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मैम। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने सारा एडिटिंग कर लिया, हमने उस मूवी की स्पीड भी अपने हिसाब से सेट कर दी, उसमें वॉइस ओवर उसमें हमने मूवी के साथ ऐड कर दिया। यस ऑल सेट मैम, नाउ इट इज फाइन। ओके थैंक यू मैम। अब ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया था कि इससे हम अपनी मूवी का प्रीव्यू देख सकते हैं, तो इस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारी मूवी किस तरीके से प्ले हो रही है। तो इससे हम प्रीव्यू देख सकते हैं अपनी मूवी का। बैक बटन से अब हम ये डैशबोर्ड पर आ गए। आप देख सकते हैं जब हम मूवी कोई क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे डैशबोर्ड पे सेव हो जाती है। तो यहाँ ये मूवी मैंने क्रिएट की है और ये मेरे डैशबोर्ड पे सेव हो गई, मुझे यहाँ दिख रही है। अब मैं इस मूवी को शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये मैंने क्रिएट कर ली। तो अगर मैं इस मूवी पर लॉन्ग प्रेस करूंगी तो आप ऊपर देख रहे होंगे टॉप स्क्रीन पे ब्लू बार में कुछ आइकन्स हमें दिख रहे हैं। पहला आइकन है हमारा प्रीव्यू आइकन, अगेन वो हमें दोबारा प्रीव्यू करने के लिए भी एक देता है कि हम शेयर करने से पहले भी एक हमारा सेकेंड प्रीव्यू हम कर लें कि वो ठीक है या नहीं है। सेकेंड आइकन आप जो देख रहे हैं वो है शेयर का आइकन है, इस पर क्लिक करके हम अपनी मूवी को शेयर कर सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। वो फॉर्मेट्स क्या हैं ये हम देख लेते हैं। मैंने शेयर आइकन पे क्लिक किया तो ये फॉर्मेट्स हमारे सामने आ गए कि आप मूवी को एक्सपोर्ट मूवी, इसको एक्सपोर्ट मूवी में जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो ये MP4 में एक्सपोर्ट होती है, जो हमारी नॉर्मल वीडियोस भी होती हैं जो MP4 में ही होती हैं। तो हम इसे मूवी फॉर्म में अपनी वीडियो फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं,
सेकेंड आप देख रहे हैं GIF फॉर्म में, इसको हम एनिमेटेड GIF फॉर्म में भी इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको हम इमेजेस फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम अपनी पूरी स्टोरी को स्टोरी फॉर्म स्टोरी बुक की तरह भी इसको हर फ्रेम को वो एक JPG फॉर्मेट में इमेज के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर देता है, तो हम इसको इमेज के फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्लिप बुक के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। फ्लिप बुक ये PDF है, अगर हम फ्लिप बुक में फॉर्मेट वो एक्सपोर्ट करेंगे इसको तो PDF में वो हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी, हमारी गैलरी में हमारे फोन के फाइल्स में डाउनलोड हो जाएगी, सेव हो जाएगी, और ये प्रोजेक्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं जो इस स्टॉप मोशन स्टूडियो का अपना एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको मूवी फॉर्म में करना चाहती हूँ डाउनलोड, अगर मैं इस पे एक्सपोर्ट मूवी पे क्लिक करूंगी तो वो ये ऑप्शंस हमें देता है कि आपको ये व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है, ईमेल के थ्रू शेयर करना है, या फेसबुक के थ्रू शेयर करना है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस वो हमें देता है कि आपको कैसे इसको शेयर करना है। साथ ही आप देख सकते हैं ये ऑप्शन देता है सेव वीडियो, यहाँ पर हमसे क्लिक करते हैं अगर तो ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे फोन की गैलरी में सेव हो जाती है, या हमारे नॉर्मल जैसे फोन में नॉर्मल वीडियोस जैसे हमारे सेव रहती हैं, ऐसे ही ये वीडियो हमारी फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी, और आप अपने फोन की गैलरी से किसी भी मीडियम से किसी भी मोड से अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ जिसके भी साथ आपको वो शेयर करना है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये शेयर कर सकते हैं। अब ये थर्ड आइकन जो आप देख रहे हैं ये कॉपी आइकन है, डुप्लीकेट आइकन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मूवी में आपने जो इसमें आपने ऑडियो इंग्लिश आपने ऑडियो इसमें एम्बिड की है अपनी वीडियो के साथ वो आपने इंग्लिश में की है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी एक बनाए कि आप उसमें हिंदी में भी हिंदी में ऑडियो एम्बिड करें, ये अपनी रीजनल लैंग्वेज में करना चाहते हैं इंग्लिश के साथ, तो हम अपनी मूवी को की डुप्लीकेट कॉपी से बना सकते हैं इस आइकन पे क्लिक करके। तो हमारे डैशबोर्ड पे हमारी मूवी की जो भी हमने वीडियो क्रिएट की है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, फिर अगेन उसको ओपन करके हम उसमें अपना वॉइस ओवर जो हमने रिकॉर्ड करके इंग्लिश में या हिंदी में या जिसमें भी हमने डाला है अगर हम उसे ट्रांसलेट करके ट्रांसलेटेड वर्जन में उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उसमें वॉइस ओवर चेंज कर सकते हैं और उसी वीडियो को हम एक डिफरेंट लैंग्वेज में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डुप्लीकेट ऑप्शन से हम अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेम प्रोग्राम को ट्रांसलेटेड वर्जन उसका क्रिएट कर सकते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन आपको इसमें फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है डिलीट का, अगर आप चाहते हो डिलीट करना तो इस वीडियो को अपने डैशबोर्ड से आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक सिंपल मतलब इन फीचर्स को यूज करके इस ऐप को यूज करके हम एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जो स्टॉप मोशन स्टूडियो स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जांपल है जो पेपर कटआउट को यूज करके क्रिएट किया गया है, लेकिन ये मैं बता देती हूँ ये स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप से नहीं क्रिएट किया गया है, ये प्रोफेशनली शूट किया गया है स्टूडियो में, लेकिन एग्जांपल ये स्टॉप मोशन एनिमेशन का है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ इसका, क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, ऑडियो आपको आ रही है उसकी? यस मैम, परफेक्ट परफेक्ट। एक समूह में
मानव लेकर बैठे थे कुछ पत्थर कुछ चपटे कुछ थे नुकीले कुछ जैसे हो मोटी कीले कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे कुछ मीठे चाकू से पत्थर से पत्थर को मार बना रहे थे वो हथियार टकराया पत्थर से पत्थर तब उससे निकली चिंगारी पास ही था पत्तों का ढेर आग सुलगते लगी नदेर जब आग जलाना सर्दी का मौसम बना सुहाना उनकी गुफा हो गई रोशन खाने लगे पका कर खाना खाने लगे पका कर खाना खाने लगे पका कर खाना तो ये एक एग्जाम्पल था स्टॉप मोशन एनिमेशन का कि स्टॉप मोशन एनिमेशन की वीडियो कैसे दिखती है आउटपुट कैसे दिखता है पर ये मैंने विजय से बताया था ये स्टूडियो में शूट हुआ है तो इस तरीके से हम पेपर कटआउट से स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप को यूज करके हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं अब हम डेमो देखेंगे कि किस तरीके से हम ये क्रिएट करते हैं मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना सबको यस मैम यस मैम ठीक है Yes, motion animation for the famous story. आपको आवाज आ रही है ना इसकी? Yes, madam. Yes, madam. आ रही है. Yes, madam. We create stop motion. इसमें हम actually create कर रहे हैं. ये demo है कि किस तरीके से हम वो तो मैंने आपको सिर्फ स्क्रीन शॉट के थ्रू दिखाया था कि क्या क्या इसके आइकन्स हैं उनका क्या डिस्क्रिप्शन है क्या उनके फीचर्स हैं और कैसे उनको यूज करते हैं ये पूरा डेमो है कि हम कैसे एक वीडियो क्रिएट करते हैं सेम स्टोरी का ही है उसी का है और किस तरीके से हम इसे शेयर कर सकते हैं तो ये पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है ये इसका जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि किस तरीके से हम इस ऐप को यूज करेंगे फॉर दिस स्टोरी And we will create this story by using different cutouts. We can create a story by using puppets, clay. But today we will create this story, stop motion animation, by using cutouts. And here you can see this is the background image. Background. We will use this background for creation of stop motion animation. And here you can see some cutouts. Like a crow and a water jug pebbles and a water jug with pebbles so we will use this these cutouts animation कोई कुछ कह रहा है क्या कोई डाउट है क्या बहुत नॉइज आ रही है मुझे इज देयर एनी डाउट So we will capture frame based on the storyboards as we discussed earlier. We have created a storyboard for this story and we have created a each of frame and we captured these frames these frames. So as discussed here 8 icons are given. You can see on the right hand side top icon is camera. So we will capture this frame by using this this icon. So I am tap on I'm
clicking on this. Now you can see a red button. We can we can capture a frame by clicking on the red button. So I am clicking on it. So this is our first frame. Now I am clicking my second frame where the crow is here, and click on the red button. I will move the position of the crow. And I will click the frame again, move the crow and click the frame again, moving the crow and click the frame again. Same procedure will do. Again, the close frame I will clicking. So now we can see the crow not able to drink a water because the water level of the jug is very low. So now he can see some pebbles here. So we will rotate the position of the crow and click, and we will click some clicks on that frame. We will move it on down. Now as we can see, crow picked up the pebble and now he moving towards the water jug, and we will capture this frame. We will capture each frame of this process. Now again, we repeat the entire process. And we'll capture every moment. We will capture each and every detail.
Now we can see after putting pebbles in the water jug, now crow is able to drink water and he is drinking water. We will capture this moment, this frame, and we will click all the frames. So we have clicked all possible frames for this story. Now we will see how many frames we have clicked. You can see at the bottom of right hand side 69 frames. So 69 frames are clicked for this story. Now I am clicking on the back button, and at the end of the screen we can see the timeline of this story, and we can see the every frame of this story. So as we are explained earlier, we can edit and we can add our voice in this story. Now we will edit our frames, like edit my frames timeline. So here we can see on frame number 65, the shadow is coming, my hand shadow is coming. So I want to delete this light. So what we can do is I will click on this frame, and this editing options are coming. Here we can see a delete option. I will delete it, and this frame will delete it. So we can edit our timeline by using these edit option. If I want to copy my duplicate my frame, so I will click on copy button. And paste it here. So my so the duplicate frame will be created, and we will edit our timeline as we are required for. Now I am going to play this video by click on play button. So you can see the motion in the story, in the frames. इसको थोड़ा और फास्ट किया जा सकता है मैम? इफ यू रियलाइज हेलो मैम जी 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 फास्ट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि आपको थोड़ा अगर हम स्पीड हाई कर देंगे तो कुछ अगर मिस हो गया तो फिर वो आपको मतलब थोड़ा सा रहेगा कि लैकिंग ना हो जाए कुछ. ये जो वीडियो थोड़ा सा और स्पीड में चलेगा तो हो सकता है और अच्छा से दिखेगा, वो मैं बोल रहा हूँ. वॉइस के साथ से और ज्यादा फ्रेम देना पड़ेगा, ज्यादा पिक्चर देना पड़ेगा स्पीड के लिए. और साउंड के लिए भी स्पीड करना पड़ेगा फिर. एक बार हम देख लेते हैं पूरा, फिर जब हम खुद अभी क्रिएट करेंगे, अभी हम एक एनिमेशन खुद भी क्रिएट करेंगे कि हैंड्स ऑन भी है इस सेशन में इंक्लूडेड है, तो अभी आप खुद भी क्रिएट करेंगे इसको, तब आपको आइडिया होगा कि कैसे ये बनेगा इसमें. तो एक बार हम पहले ही देख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया बस, इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको भी ऑडियो भी ऐड करके दिखाया जाएगा कि ऑडियो रिकॉर्ड करके कैसे इसको ऐड करते हैं. अवेलेबल फॉर द प्रो वर्जन ऑफ स्टॉप मोशन एनिमेशन. नाउ इफ
we can set our video speed by using these options. I'm clicking on setting. Here we can see movie speed. We can set the speed of our animation movie. Now I have set 5 seconds per frame. We can set as per our requirement. This feature is available for the pro version, and we can use foregrounds. So these some features are available with the free version. So we can use these feature for our animation. Here we can see the record button on the screen. By clicking on this, we can record our voice and add with our animation. So now I am going to record my voice. I am clicking all over the field looking for the water for a long time, and suddenly jug and water level kept rising. Now you can see all over the field looking for the water for voice a long time. Is coming with the video. He saw a water and we can add narration of a story with the animation. See if there was any water inside, and he could see some water inside the jug. He tried to push his neck into the jug. Now I'm going to stop this play and click on done. Now I'm going to play this animation with audio by clicking on play button. Now you can see audio. See if there was any water inside. Now we want to share our video with our friends and with our students. So for this we will click on the back button. Here we can see right left hand side top icon is back icon. We will click on this icon here. This is the dashboard, and you can see this is the movie we have created. We will long press this icon, movie icon. So we can see the various icon is appearing top of the screen. First icon is preview icon. If I am clicking on this, we can see the preview of the of our animation. All over the field looking for the water for a long time, and suddenly now I'm pausing this, clicking on cross button. So we can preview our video by clicking on preview button. We can see the second icon of sharing. By using this icon, we can export our video in various format. First is in we can download or export our animation in the movie format. We can export as animated GIF format. We can export in images format. We can export in flipbook format, and we can export in project format. So today we will export our animation in movie format. I'm clicking on this. So after clicking on this, there are many options are coming on the screen. We can share our video via WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Gmail, Messenger, Twitter. So we and here we can see the various option. We can use this options to share our video, and we can save our video in phone in our phone also. So we can by clicking on save video, we can download this video in our phone gallery and so we can share our video by using these icons. Third number icon is copy icon.
if you want to duplicate your movie, you want to copy your make a copy of your movie, so you can click on this icon and you can see the copy of duplicate copy of your movie. So you can duplicate and make a copy of our video. And fourth option is delete option. We can delete multiple copies. Yeah. So now I'm going to delete this duplicate copy. I'm clicking on this, select on this and delete it. I'm clicking on delete option. तो ये एक स्मॉल डेमो वीडियो थी जिससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप को यूज करके हम एक सिंपल से छोटे से एक से दो मिनट के या बाइट साइज वीडियोस हम क्रिएट कर सकते हैं. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. किसी के कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. साथ में एक ये अब हैंड्स ऑन भी है इसमें. तो अब आप लोग अपना कुछ भी एक स्मॉल वीडियो क्रिएट करके हमें यहाँ दिखा भी सकते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम, इफ वी मेक अ कॉपी एंड सेव द वीडियो इन आवर फोन्स गैलरी आल्सो. And suppose after saving it in our phone gallery, if we delete it from the dashboard of the app, so will it automatically be deleted from the phone gallery or it will be saved? No. Phone gallery में मैम वो रहेगा क्योंकि आपने उसको डाउनलोड कर लिया है, वो एक्सपोर्ट हो चुका है. अगर आप उसे डैशबोर्ड से डिलीट भी कर देते हैं प्रोजेक्ट को, फोन गैलरी में इट विल एग्जिस्ट. थैंक यू मैम. मैम वन मोर क्वेश्चन. मैंने देखा था कि जब आप क्लिक कर रहे थे फोटोज तो उस समय पे आप दो बार डबल क्लिक कर रहे थे. यस 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 मैम, ऐसा क्यों? हाँ बिल्कुल, ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि आप डेमो में कितना आप इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि मैंने हर फोटो के दो फ्रेम्स क्लिक किए थे क्योंकि जितने आप फ्रेम क्लिक करेंगे अपने, जितनी भी आप एक फ्रेम के मल्टीपल फोटोज क्लिक करेंगे उतना ही वीडियो आपकी स्मूथ रन होगी. अदरवाइज वो एक पोजीशन से दूसरे सीक्वेंस पे जो आप स्विच करते हैं तो वो जर्क्स आपको दिखाई देंगे. वीडियो जब आप प्ले करेंगे तो वो जर्क्स दिखेंगे उसमें. लेकिन आप जितने मल्टीपल फोटोज क्लिक करेंगे, जितने ज्यादा फोटो क्लिक करेंगे उतना ही मूवी आपकी स्मूथ रन होगी. इसीलिए वो मैंने एक फ्रेम के मल्टीपल फोटो दो या तीन क्लिक किए थे. एक्सक्यूज मी मैम, हेलो Hello, can you hear me? Yes, yes, yes. See, ma'am, when you were doing all the frames in the surrounding background, there were many unwanted things that were required. That means a table and all things can be seen. Can that be trimmed out? Yes, we can do it. Lekin iske liye, excuse me, one second. यस सॉरी, वो एक कॉल आ गया था. तो इसके लिए हम इसको एडिटिंग ऑप्शन में जाके उसको एडिट भी कर सकते हैं. लेकिन हम अगर जब भी कोई अपना जो क्रिएट कर रहे हैं जिसपे हम, तो हम बैकग्राउंड ही एज पे फर्स्ट हम बैकग्राउंड ही हम उतना ही फ्रेम क्लिक किए जितना में रिक्वायर्ड है. जो एडिशनल आ रही हैं वो चीजें हम उसको वहां पर वो फ्रेम के अंदर ना आए, हम ये पहले कोशिश ये करें. अगर इन केस ऐसा होता है कि कुछ एडिशनल जैसे टेबल आ रहा था या फिर कुछ जो हमारे पेपर कटआउट्स रखे हुए थे वो आ रहे थे हमारे उसमें फ्रेम में, तो उसको भी हम ट्रिम कर सकते हैं. ये एडिटिंग का ऑप्शन है इसमें, हम कर सकते, वी कैन डू दिस. कोई और सवाल किसी का, कोई डाउट?
मैम ट्रिम कहां से करेंगे इसमें ऑप्शन? जब आप क्लिक करेंगे फोटोग्राफ, जब हम जो हमारे कैमरा बटन पे हम क्लिक करते हैं, जो स्क्रीन आती है वहां पर आपने जब अपने फोटो क्लिक किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे एडिटिंग का ऑप्शन भी होता है, वहां से आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। आप जब हैंड्स ऑन करेंगे ना सर, तब आपको और क्लियर होगा कि क्या 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 हमारे पास फीचर्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब आप एक बार खुद क्लिक करिए, मतलब खुद आप अपनी मूवी क्रिएट करिए इससे। एक्सक्यूज मी मैम, इमेज के लिए क्या हाथ से ही बनाना होगा या नहीं? नहीं, ये मैंने कहा था आप कैसे भी बना सकते ना, हाथ से भी बना सकते हैं, और आप प्रिंटेड इमेज जो हम प्रिंटेड इमेज होती है उनकी भी कटआउट्स ले सकते हैं, कुछ आप ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने कटआउट फॉर्म को यूज किया था, जैसे मैंने बताया था क्ले को भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पपेट को भी यूज कर सकते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप ये हाथ से ही बना है, प्रिंटेड कटआउट भी आप यूज कर सकते हैं। मैम ऑनलाइन इमेज अगर मेरे ऐप में है तो उसे मैं यहाँ पर कैसे लाऊंगी? हाँ, यही मैंने कहा था कि इसमें जो मैम जिस वर्जन पे हमने ये जो डेमो दिया है या जो हमने अभी आपको दिखाया था, ये हमने फ्री वर्जन वाला आपको बताया था। हम इस फ्री वर्जन में हमें फोटो क्लिक करने पड़ेंगे। हम अपनी फोन गैलरी है, जो भी हमारे गैजेट हम यूज कर रहे हैं, उसकी जो इंटरनल मेमोरी में जो भी हमारे पास इमेजेस हैं, हम उसको यूज नहीं कर सकते। हम अपनी गैलरी से इसमें इमेजेस यूज नहीं कर सकते, आपको इसमें फोटो क्लिक करके ही क्रिएट करना पड़ेगा, जो हमारा फ्री वर्जन है। ऑनलाइन मोड में भी होता है कि ऑफलाइन में भी होता है? ये तो सर वो है, ऑफलाइन ही चलेगा, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, तो जैसे इसको आपको फिर उसके बाद क्रिएट करने के लिए इसको आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बस आपको ऐप को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, उसके बाद ही ऑफलाइन वर्क करता है। लेकिन आप जब शेयर करेंगे सर, जब शेयर करेंगे तब आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करेंगे सर? बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जैसे मैंने बताया था, मैं आपको एक बार प्रेजेंटेशन पे दोबारा ले जाती हूँ। ये स्क्रीन, इसमें ही हमारे सारे आप देख सकते हैं फीचर्स है। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे वॉइस ओवर वाला आइकन है, इससे आप म्यूजिक अपना जो बैकग्राउंड वॉइस है वो रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं फ्री वर्जन में। जो हमने अभी किया था, जिसका डेमो हमने देखा था, वो हमारा फ्री वर्जन पे बना हुआ है। उसमें मैंने स्टोरी को रीड करके रिकॉर्ड किया था इसमें, तो इस वॉइस ओवर आइकन से हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके बैकग्राउंड वॉइस ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप इसमें यहाँ देख रहे हैं ऐड इमेजेस ऑडियो, हम एक्सटर्नल ऑडियो एम्बेड नहीं कर सकते हैं अपनी वीडियो में, क्योंकि वो पेड वर्जन में अवेलेबल है। हम केवल रिकॉर्डेड वीडियो अपनी जो हमने एट अ टाइम ऐप में रिकॉर्ड अपने वीडियो में रिकॉर्ड करी है, इससे वही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है सर? ऐड म्यूजिक नहीं कर सकते हैं, ओनली वॉइस को रिकॉर्ड करके आप इसमें कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हम फोटो सब स्क्रीन मैंने फोटो ले लिया, उसके बाद अपना वॉइस को दे सकते, अपना वॉइस आपने इसमें रिकॉर्ड किया इससे वॉइस ओवर से, और आपने उसके साथ ऐड कर दिया, आप ये कर सकते हैं। और इसी जो वीडियो एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होने के बाद इसको हम दूसरा किसी वीडियो एडिटिंग ऐप में लेके म्यूजिक ऐड कर सकते हैं? तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। आपका एक सेशन भी हुआ होगा कल वीडियो एडिटिंग के लिए ही, तो उस ऐप में भी आप जाकर, जैसे इससे यहाँ से आपने अपनी रिकॉर्ड कर लिया, अपने क्रिएट कर लिया, इसको एक्सपोर्ट कर लिया MP4 पे, और फिर किसी भी दूसरी ऐप में जाकर आप इसको एडिट कर सकते, इजीली एडिट कर सकते हैं। अगर उसमें एक्सटर्नल ऑडियो ऐड करने का फीचर है तो आप कर सकते हैं।
और कोई किसी के डाउट? मैडम अगर जो अपनी साउंड अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे अगर चेंज करना हो तो फिर कैसे करते हैं, वो मिलती हाँ, कहाँ पे दिखेगी कहाँ? मैम आपने जैसे रिकॉर्ड कर लिया ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये फ्रेम्स हमें यहाँ दिख रहे हैं जी, ये हाँ. तो आपकी जब ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो आपकी हाँ. उस फ्रेम पर आपको ऑडियो का आइकन दिखने लगेगा ठीक है. आप उस फ्रेम पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर वो पूछेगा डिलीट ऑडियो, तो डिलीट ऑडियो आप कर देंगे तो ऑडियो हट जाएगी वहां से. तो मैडम वो सारी फ्रेम पे नहीं जाता क्या अपने आप, किसी एक ही फ्रेम पे होता है? नहीं नहीं ऑडियो मैम आपके पूरे फ्रेम, आपको एक पर्टिकुलर फ्रेम से हटाना है वीडियो, मतलब वीडियो आपके मैम पूरे वीडियो पूरे सारे फ्रेम्स पे रहता है ये, तो आपके और ये ऑडियो आइकन आपको फर्स्ट फ्रेम पर ही दिखेगा, चूंकि वहां पर वो पॉपअप ऑप्शन था इसलिए मैं उस फ्रेम पर ले गई. ऑडियो का आइकन एम्बेड होने के बाद आपको फर्स्ट फ्रेम पर ही शो होगा, आपके टाइमलाइन में आपको दिखने लगेगा ब्लू कलर का आइकन ऑडियो का दिखने लगेगा. आप उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप ऑडियो डिलीट कर सकते हैं इससे. अच्छा, और चलता अपने आप ही है वो, अपन कुछ नहीं करते उसमें? नहीं 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 मैम, आपने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया वो इसके साथ एम्बेड हो गया, आप प्ले करेंगे तो वो ऑडियो आपका वीडियो के साथ प्ले होगा. ठीक है, थैंक यू. मैं उसमें एक सेकंड में अगर हम 10 कर रहे हैं तो मतलब एक सेकंड के लिए हमको 10 फोटो खींचना होगा. मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई हूँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? स्पीड में जो दिया हुआ है ना 10 मतलब 10, 7, 8 हाँ, इसका मतलब मैम ये है जैसे कि आपने 1 सिलेक्ट किया है तो आपका पर फ्रेम 1 सेकंड सेट हो गया. अगर आपकी मूवी में इन आपने जो अपने वीडियो अपने पिक्चर्स क्लिक किए हैं, आपकी जो वीडियो है वो 50 फ्रेम्स क्लिक हुए हैं उसमें, तो वो वीडियो की ड्यूरेशन 50 सेकंड हो जाएगी. हर फ्रेम 1 सेकंड पर फ्रेम 1 सेकंड सेट हो जाएगी आपकी टाइम. 50 फ्रेम्स है तो 50 सेकंड की वो आपकी वीडियो बनेगी. 10 सेकंड हम सेट किए मतलब एक फ्रेम मेरा 10 सेकंड तक रहेगा? नहीं मैम, जितना आप नंबर इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, आप जितना भी आगे आप जैसे आपने 10 किया तो वो 0.10 सेकंड हो जाएगा. इट मींस मूवी की स्पीड और ज्यादा फास्ट हो जाएगी. ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है मैम, मतलब बिगिनर्स के लिए है तो हमको एक ही रखने से फायदा. हाँ, 1 रखेंगे तो आपकी उतनी स्लो रहेगी, जितना आप आगे इंक्रीज करेंगे तो मूवी की स्पीड उतनी फास्ट हो जाएगी. मैम साउंड सारे फ्रेम्स पे रिकॉर्ड करना है ना? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई, क्या कहा आपने? मैम मैंने कहा जैसे अभी आपने दिखाया इसमें 36 फ्रेम्स हैं तो, या 69 फ्रेम्स हैं तो उसके क्या सारे फ्रेम्स में ऑडियो रिकॉर्ड करना है? नहीं नहीं सर, सारे फ्रेम में नहीं करना. आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया आपने, वो आप ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के साथ एम्बेड हो जाता है, तो आपको पर फ्रेम के लिए रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. आपने पूरी स्टोरी के लिए ही रिकॉर्ड किया है वो. थैंक यू मैम. ये जानना चाहता हूँ जी मैम, तो फिर जो स्टोरी बेस बनेगा, अगर बड़ा स्टोरी बनाना चाहिए तो ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी इसमें. सर कैसे मुश्किल, मतलब आप? मतलब 5 मिनट या 10 मिनट वाला स्टोरी बनाना चाहूंगा. हाँ, तो सर, उसमें आपकी हाँ ये बेसिकली सर जो ये शॉर्ट बाइट साइज वीडियो जो इनकी ड्यूरेशन विद इन 3 मिनट्स है उनके लिए अच्छा, अदरवाइज जितनी बड़ी स्टोरी सर होगी आपकी तो उतने ही नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उतने ही आपको. हाँ बिल्कुल सर, ये बाइट साइज वीडियो के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना आप बड़ी आप कर भी सकते हैं, क्योंकि इसमें आप मतलब मोर देन 1000 आप इसमें आराम से क्लिक कर सकते हैं फ्रेम. ये इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है फ्रेम की, लेकिन जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा सर ऑटोमेटिकली उतने ही नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके ज्यादा होंगे. हाँ मैम, और एक बात, ये एक स्टोरी बनाना चाहूंगा तो इसके लिए
पिक्चर, बहुत सारी पिक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, मेरे को सर ड्रॉ करनी पड़ेगी, या फिर आप पिक्चर के प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, मतलब आप कुछ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ड्रॉ पिक्चर से ही बनाए, मतलब वो आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करके बनाना चाहते हैं, लेकिन हाँ जो भी होगा आपका उतने नंबर ऑफ फ्रेम्स लेकिन सर उसके ज्यादा होंगे अगर बड़ी मूवी है, वो डिपेंड करता है टाइम पर, ड्यूरेशन पे। हाँ जी मैम ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम होगा कि अगर हम मोशन वाली कुछ चीज का एक फ्रेम बनाना चाहेंगे तो ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये स्टील वाला फ्रेम ले सकता है, मोशन वाला फ्रेम नहीं ले सकता। मतलब मैं सर मोशन वाला फ्रेम आप मोशन अच्छा मोशन वाला, हाँ मोशन वाला सर, क्योंकि मोशन तो वो खुद ही क्रिएट कर रहा है ना, तो आपको स्टिल फोटोग्राफी क्लिक करनी है, क्योंकि क्योंकि उसने हाँ, स्टिल फोटोग्राफ क्लिक करके प्ले करके मोशन तो खुद ही क्रिएट, तो मोशन हाँ, वाला हम नहीं ले सकते इसमें। हाँ, हाँ, जी थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। ये और पूछना था, हर फ्रेम के लिए अलग वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है क्या? नहीं मैम, मैंने अभी भी सिमिलर क्वेरी का एक आंसर किया था, अभी सर ने भी यही मुझसे सवाल पूछा था कि हमें हर फ्रेम के लिए ऑडियो करनी पड़ती है, नहीं हमें एक बार में अपनी पूरी स्टोरी रिकॉर्ड करनी है, वो ऑटोमेटिकली आपके वीडियो के साथ हो जाता है, आपको पर फ्रेम ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ जी सर, मैंने इसको बना लिया है, लेकिन ये इसको मेरे को अपलोड करना है या इसको फोन में डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ, उसके लिए क्या प्रोसीजर बता दीजिए। मैंने एक करीब 40-50 स्नैप ले लिए और एक मूवी बनाया 9 सेकंड का। अच्छा सर, मैं अभी आपको स्क्रीन पे, आप मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना आपको? हाँ हो रही है। ठीक है, आपने बना लिया, ठीक है, आप डैशबोर्ड पे आ गए, आपको ये इस तरीके से दिख रहा होगा, आपकी मूवी अपीयर हो रही होगी डैशबोर्ड पे, आपका प्रोजेक्ट। हाँ, माय मूवी दिख रही है, आपको दिख रहा होगा, आप उस मूवी पे लॉन्ग प्रेस करिए, तो आपको ये जो टॉप ऑफ द स्क्रीन ये ब्लू बार दिखेगा। हाँ दिख गया मैडम। हाँ, और ये सेकेंड जो आइकन है ना, शेयर का आइकन है ये। ओके, यहाँ पे दूसरा वाला आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, शेयर पे आप करेंगे तो आपको वो ऑप्शन दे देगा कि आप एक्सपोर्ट मूवी करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मूवी कर दिया तो सीधा व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ? हाँ, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी दे सकते हैं, और अदरवाइज अपनी फोन की सेव वीडियो भी होता है उसमें ऑप्शन, तो आप डायरेक्ट अपनी उस पे भी सेव कर सकते हैं, अपने फोन की गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। मेरा ऑडियो ऑडियो कैसे आएगा? वीडियो बन गया, मेरा ऑडियो सेलेक्ट नहीं हो रहा, कैसे फिर से बता दीजिए मैम। सर ऑडियो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था कि हम इसमें अपने फोन में जो रिकॉर्डेड ऑडियो होती हैं उनको यूज नहीं कर सकते हैं इसमें। आप ये मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जहां मेरा कर्सर है, जो सेकंड आइकन है ऑडियो का, वॉइस ओवर का, इस पर आप सर क्लिक करिए, तो आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी इसमें। आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के साथ एम्बेड हो जाएगा। आप अगर फोन से अपने फोन में रिकॉर्डेड कोई ऑडियो है उसको अगर आप सिलेक्ट करके एम्बेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा इसमें, वो आपके एडवांस वर्जन में होगा, विच इज पेड। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू मैडम। कैन यू शो अस हाउ टू एडिट द फोटोग्राफ व्हेन इट इज क्लिक्ड? मैम आपको फ्रेम जो करना है एडिट उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, तो इससे आप एडिट कर सकते हैं। मैं ये डेमोंस्ट्रेशन वीडियो भी आपके चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, सो दैट आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट होगा। सभी आप अकेले क्रॉप द फोटोग्राफ, हाउ टू क्रॉप द फोटोग्राफ,
एक्सक्यूज मी मैम, आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है? हेलो एक्सक्यूज मी मैम, हेलो एक्सक्यूज मी, यस मैम आ रही है। मैम अभी जो आपने जो दिखा है ना उसी तरह से मोबाइल पे मैं ट्राई कर रहा था तो बार बार वो मतलब पेड फीचर्स करके कुछ ये दिखा रहा है वो। सर आप वो फीचर्स यूज कर रहे होंगे जो पेड है। मैंने आप पहले भी बताया था कि इसमें सारे फीचर्स जो हैं वो फ्री नहीं हैं। जो फीचर्स कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे पेड फीचर्स में आते हैं, जैसे कि जैसे ये है आपका जो फोरग्राउंड है इसमें आप ये हमारा पेड फीचर में आता है। ये हमारा जो कलर है ब्राइटनेस है इसमें हम फिल्टर यूज कर सकते हैं, वो हमारा पेड फीचर में आता है। ये दो फीचर्स हैं जो हमारे फ्री फीचर्स में आते हैं। तो इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमारे डाल दिया तो उसके बाद वो प्ले करके बटन आता, वो दबाने के बाद बाद में रेंडमली वो एक साथ एक के पीछे एक के पीछे एक करके पूरे के पूरे चित्र दिखाते है। हाँ, लेकिन लेकिन उनको उनको अगर कुछ एडिट करना होना तो बार बार वो फीचर्स दिखाते, मतलब वो एडिट ये पेड़ करना है करके नहीं, ऐसा नहीं, कुछ दिखाते। नहीं आप टाइमलाइन में जाएंगे उसके बाद, और ये जो आप उस फ्रेम को जिस फ्रेम को आपको एडिट करना है उस फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे तो एडिटिंग ऑप्शन अपीयर होंगे। वो आपको उस इनमें भी आप अगर कुछ और ये जैसे ये फीचर्स हैं इनको आप यूज करेंगे तो वो पेड़ देगा। अदरवाइज सिलेक्ट पॉज कट कॉपी इंसर्ट कैमरा एडिट इसमें वो पेड फीचर नहीं देगा। ये हमारे फीचर्स जो है वो फ्री हैं। आप इसमें कौन सा फीचर यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा होगा सर कि वो आपको ये पॉपअप आपको आ रहा होगा क्योंकि इसमें हेलो मैम जी जी सर मैं यही हूँ। अभी 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 जो मतलब जिस तरह से आपने बताया वो देखिए वो मतलब एक ही फीचर पे डबल क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैमरा पॉज ऑडियो एडिट इरेज ये सब दिखाते हैं ना जी बिल्कुल। हाँ उनके उनके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं एडिट तो एडिट किया एडिट करने के बाद वो एक साइड लेफ्ट साइड में राइट साइड में दिखाते हैं एडिट करके वो पहला प्लस साइन दिखाते हैं उसके बाद वो फीचर दिखाता है जी जी जी। फीचर दिखाने के बाद उस पीछे हाँ, हाँ, वो सर पेड फीचर है। मैं वही आपको बता रही हूँ कि इसमें ये पेड फीचर है। इसके भी जो मैंने कहा सिलेक्ट कट कॉपी पॉज इंसर्ट कैमरा डिलीट ये जो ऑप्शन है ये फ्री है। बाकी रिवर्स ये इरेज मर्ज और एडिट ये जो इसके पेड इसमें केवल ट्रिम आप कर सकते हो एडिट ऑप्शन में जाके। बाकी जो इसमें आप एड स्लाइड करके क्रेडिट एप कैप्शंस हैं ये सब पेड फीचर्स में आते हैं। तो इन ब्रीफ मैम हमको क्या वो मतलब ये करना होता है मतलब खरीदना होता है? नहीं नहीं ये आपके ऊपर है सर ये इसमें ये एडिशनल फीचर्स हैं जो पेड हैं लेकिन ये जो बेसिक फीचर्स हैं आपके वो आपके फ्री हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने आपको पहले भी यहाँ बताया था स्टार्टिंग में जो प्लस आइकन ये जो हमारा है जिसमें क्रेडिट्स को ऐड करना क्रेडिट को ऐड करने के लिए आपको स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी जो आप अभी कर रहे होंगे एडिट में जाके वहां पे आपको स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। तो वो क्रेडिट्स को ऐड करना कैप्शंस को ऐड करना टाइटल्स को ऐड करना और एक्सटर्नल ऑडियो और उसको ऐड करना ये हमारा पेड फीचर है। अच्छा वही वहाँ वही मैम वहाँ लॉक दिखाई दे रहा है। हाँ दिख गया ना आपको तो ये वो हमारे पेड फीचर में है लेकिन ट्रिम इसमें एडिट में जाके ट्रिम कर सकते हैं वो हमारा फ्री है वो उसमें हम कर सकते हैं एडिट। किसी का कोई सवाल है? यस मैम एमपी से रुपेंद्र जी हैं उनका हैंड रेज किया है उन्होंने। रुपेंद्र जी अपना क्वेश्चन पूछें। आप सुन पा रहे हैं?
एक सवाल है जिसमें उन्होंने पूछा है कोई फ्री वर्जन ऐप का है जो सारी फैसिलिटी देता हो, तो सर मैंने जो लिस्ट शेयर की थी, मतलब प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगी, उसमें जो लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे, ये फीचर्स मिल जाएंगे फ्री आपको, मैं वो लिस्ट ये आई एम श्योर ये शेयर कर देंगे, हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो उसमें लिस्ट है, उसमें आपको और भी सारी ऐप मिल जाएंगी जिससे कि आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। प्राची मैम एक क्वेश्चन और था चैट में, विदाउट स्टोरीज व्हाट अदर टॉपिक्स वी कैन डू इन स्टॉप मोशन, विदाउट स्टोरी व्हाट अदर टॉपिक वी कैन डू इन, सर स्टॉप मोशन एनिमेशन तो कोई भी एनिमेशन कोई भी वीडियो बनता है तो किसी स्टोरी पे बेस्ड ही बनता है, तो वो तो अगर वो हमारे ये हमारी आइडेंटिटी ये हमारी नीड क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं, तो ये इट्स ऑल अपॉन द नीड ऑफ एंड द रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, तो उस पर डिपेंड करता है ये, और हम कोई भी टॉपिक इसमें किसी भी एरिया से ले सकते हैं, लेकिन हर एक जो भी लेंगे स्टोरी तो किसी उसमें होगी, स्टोरी के बिना तो नहीं हो सकता। महाराष्ट्र से नंदा बोर जी हैं, वो अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज किया हुआ है उन्होंने। एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि कैन वी क्रॉप एंड द पिक इन एडिटिंग पार्ट, हाँ मतलब हम कर सकते हैं, हम पिक जो बताया था कि आप एडिट ऑप्शन में जाके क्रॉप कर सकते हैं पिक को, जब आप किसी फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो वो जो पॉपअप आता है विद एडिटिंग फीचर्स, तो उसमें एडिट में आप क्रॉप जो ट्रिम वाला ऑप्शन है वो आप ऑप्ट करके उसको ट्रिम कर सकते हैं। प्लीज शेयर द फ्री वर्जन नाउ, ये मोबाइल के लिए फ्री वर्जन, जैसे सर ये बताया था कि ये फ्री वर्जन है, और बाकी लिस्ट जो है जो हम और भी जो हमारे जो मोबाइल ऐप है या डेस्कटॉप बेस्ड ऐप है वो हम लिस्ट हम शेयर कर देंगे, प्रेजेंटेशन में ही है, प्रेजेंटेशन हम शेयर कर देंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी लिस्ट। मैम इट इज, हेलो मैम जी, इट इज बेटर टू पुट इट ऑन अ ट्राइपॉड राइट टू, आई मीन यस 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 बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द कटिंग एंड एडिटिंग लेटर, यस यस definitely if we use tripod it will give you a better experience. Yeah, thank you ma'am, thank you. Aur kisi ka koi sawal hai jo puchna chahte hain, camera ko jitna still rakhenge utna zyada behtar result, bilkul bilkul, iske liye aap camera ko tripod pe rakhe aur sath hi timer ka use kare, manually pictures ko click na kare, aap timer ko use karenge to utna acha rahega. Timer ko kaise use karenge na, timer kaise setting kiya jata hai, timer ko sir aap jab photo click karne ke liye camera wale icon pe jayenge to सेकेंड आइकन जो आएगा स्क्रीन पर वो टाइमर का आइकन है, आप वहां जाकर टाइमर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं सेट। मैडम आपने बहुत अच्छे से बताया, बस अब हमको प्रैक्टिस करना है। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये बिल्कुल प्रैक्टिस की ही चीज है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बताया कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बस अब हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। जी मैम बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको और समझ आएगा कि हम फीचर्स को कैसे यूज करते हैं, तो उसमें उस इंसान ने सेट कर देने से ऑटोमेटिक, बिल्कुल टाइमर सेट करने से ऑटोमेटिक क्लिक होगा, आपको बार बार उसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम मैं ये कहना चाह रहा था मोबाइल में मेरा तो ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है और मैं मोबाइल से ही कनेक्टेड था, तो मैं क्या ये मीटिंग से बाहर हाँ, निकल सकता, मतलब आपको क्रिएट करना है तो आपको मीटिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार में आप मीटिंग और आप वीडियो नहीं बना सकते, तो या तो आप दूसरे मोबाइल से प्रैक्टिस करें अगर मीटिंग साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, अदरवाइज ऑडियो नहीं कर पाएंगे सर उसमें, ऑडियो नहीं हो पा रहा है मैम, आप ऑडियो नहीं हो पा रहा,
हाँ मीटिंग के साथ आप ऑडियो नहीं कर, आप फोटो क्लिक कर लेंगे लेकिन विदाउट ऑडियो, ऑडियो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मीटिंग में ऑडियो यूज कर रहे हैं ना, मतलब डिवाइस तो एक ही है ना सर, वो दोनों तरफ फंक्शन नहीं कर पाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और yes, आपके जो भी अगर और भी डाउट हो तो ग्रुप जो आप क्रिएट किया हुआ है उसमें भी मैं हूँ, आप वहां भी डाउट अपने आप रेज कर सकते हैं, और सभी लोग अपना एक वीडियो क्रिएट करके आप उसमें जरूर पोस्ट करिएगा, सो दैट कि हमें भी समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया है, अगर कोई डाउट हो आप वो भी वहां पर रेज कर सकते हैं। मैम ये करना है वीडियो, सॉरी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, क्या बोला आपने? मैम ये पोस्ट कहाँ करना है वीडियो? सर ग्रुप, आप एक ग्रुप में होंगे ना? उसमें तो ओनली एडमिन अभी है। मैं आई टेक दिस क्वेश्चन? जी जी, ये वीडियो आप लोग बना करके सर असाइनमेंट में पोस्ट करेंगे, कल लगभग 3 दिन से हम यही बात बता रहे हैं, और असाइनमेंट का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है, आप लोग अपना असाइनमेंट बना लीजिए और आज शाम या कल तक हम लोग कोशिश करेंगे संडे तक वो लिंक ओपन रखें जिससे कि आप लोग अपने असाइनमेंट अपलोड कर पाए। हम लोग विद्यालय के प्रभार में है, 5-6 दिन से स्कूल नहीं गए हुए हैं, इस ट्रेनिंग से पहले मैं ट्रेनिंग में था ऑलरेडी, तो जाने के बाद बहुत सारा काम है और ऐसे भी हमारे स्कूल में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो मैम 1-2 दिन का सर ये अगर एक्सटेंशन होता तो बहुत मेहरबानी होती। सर एक्चुअली तो संडे फ्राइडे को क्लोज होना था, मैंने ऑलरेडी आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए संडे तक का टाइम दिया है, आप कोशिश करें संडे को तो स्कूल नहीं जाना होता, और इतना कोई बहुत आपसे बड़ी वीडियो नहीं मांग रहे हैं, बड़ा रिसोर्स नहीं, चलेगा चलेगा ठीक है सर, संडे तक मेरे ख्याल से आप लोग प्लीज कर लें ज्यादा बेहतर होगा। रिलीविंग लेटर कब जारी करेंगे मैडम इन द ग्रुप? सर रिलीविंग लेटर हम कोशिश करेंगे आपको कल शाम को या फिर मंडे सुबह सुबह दे दिया जाए ग्रुप पे। जी जी ठीक है सर, मंडे को तो हम दे ही देंगे, मतलब मंडे फर्स्ट हाफ के अंदर आपको मिल जाएगा, पर हम कोशिश पूरी करेंगे कि कल ही अगर हम दे पाए। जी एंड सर्टिफिकेट्स व्हेन यू विल गेट? मैम सर्टिफिकेट तो आपके असाइनमेंट आने के बाद उसकी प्रोसेस होगी, उसके बाद ही मिलेंगे, तो एक हफ्ता तो आप मान के चलिए क्योंकि हमको स्कूल में देना चाहिए ना इसके लिए। नहीं नहीं आपको स्कूल में रिलीविंग देना होता है, वो मैम मंडे को मिल जाएगा आपको। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। स्कूल में आप लोगों को रिलीविंग ऑर्डर देना होता है, वो हम मंडे तक आपकी अटेंडेंस के बेस पे आप लोग की अटेंडेंस मिलेगी कहीं पे भी जूम पे या फॉर्म में तभी हम देंगे, वो जिसका नाम नहीं होगा फिर आप लोग परेशान होंगे, से अटेंडेंस मैं शुरू से कह रही हूँ कि बहुत ध्यान से मार्क करें। रिलीविंग ऑर्डर हम मंडे तक मैक्सिमम आपको दे देंगे, कोशिश हमारी फ्राइडे ही रहेगी, पर फिर भी एक क्योंकि इतनी सारी पार्टिसिपेंट के साथ अटेंडेंस मैच करने में टेक्निकली थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं मंडे तक का आप लोगों से फर्स्ट हाफ तक का टाइम ले लूंगा, दे दीजिए मैडम। हेलो हाँ जी बोलिए मैडम। बोलिए मैम बोलिए जी। ये कह रही थी मैडम मैंने फर्स्ट और सेकेंड डे ट्रेनिंग अटेंड नहीं करा था, तो उसके वाले प्रोजेक्ट में कैसे बना सकती हूँ? मैम आप तो आपने क्यों नहीं किया था पहले दिन और दूसरे दिन? मैडम मैं लीव पे थी। तो मैम आपका तो फिर सर्टिफिकेट भी और रिलीविंग भी इशू नहीं होगा क्योंकि 2 दिन तो आपने पूरा अटेंड ही नहीं किया, 8 सेशंस आपने अटेंड नहीं किए। हाँ मैडम यही मैं बोल रही थी, तो मैडम मुझे तो आज भी मेरे यहाँ शैक्षिक संवाद है तो उसको भी अटेंड करवाना है क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज करवाना है। आप सीख लीजिए, पर मैं आपको अटेंडेंस रिलीविंग या उसका कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकती, और अगर रिलीविंग बनेगी तो आपकी अलग से केवल 3 दिन की बनेगी क्योंकि आप बाकी दिन थे नहीं ग्रुप में। मैडम मुझे आज भी लंच के बाद शैक्षिक संवाद में VC के लिए जाना पड़ेगा, तो मैम आप बस सीखने के पर्पज से ही इस ग्रुप में है, मैं रिलीविंग का आपको नहीं वो कर पाऊंगी क्योंकि वो लॉजिकली गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है मैम, मेरी रिक्वेस्ट थी मैम ये क्या कल शाम तक हो पाएगा, बिकॉज हमें परसों स्कूल ज्वाइन करना है। ओके सर मैं पूरी कोशिश करूंगी, छत्तीसगढ़ से हैं सर, मैं पूरी कोशिश ऑलरेडी कर रही हूँ। मैम ये असाइनमेंट हमको कब तक सबमिट करना होगा? संडे मैम, असाइनमेंट संडे। मैम ये जो फ्रेम है जैसे इसमें थोड़ा बाहर का मैम एक एक करके पता चल पाता है तो वो जरा बता दीजिए। क्या बोला आपने? मैं नहीं सुन पाई अर्चना जी। साइज कैसे पता चलेगा हमें फाइल का? किस चीज का? मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा
मैम आपकी फाइल बात का साइज हम कैसे जज कर पाएंगे? आपने असाइनमेंट में लिखा है ना 10 MB। ओके, तो मैम फाइल का साइज पहली बार बड़ी जो मैम मैं बता रही हूँ, आप सुने मैम, आप कृपया 2 मिनट सुने, कोई भी सभी से अनुरोध है आप 2 मिनट के लिए सुन लें। असाइनमेंट का साइज 10 MB से ऊपर नहीं होगा, इसका पहला जजमेंट होगा कि आप जब डालेंगे वो अपलोड नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि वो लार्ज साइज बता रहा है तो आपको बहुत शॉर्टकट तरीका बताती हूँ, आप उसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करिए, वापस डाउनलोड करेंगे, उसका साइज अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तीसरी चीज, जिस तरह के असाइनमेंट हमने मांगे हैं, वीडियो भी हमने कहा है कि आप छोटा वीडियो बनाएं, 2 मिनट का भी काफी है, तो वो उससे बड़ा वैसे भी नहीं होगा और आपको लो क्वालिटी में ही उसको डाउनलोड करना है, जिससे कि आपको कोई एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको साइज की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मैम? लेकिन कल इतना ऐसा कुछ हुआ कि मैं खो गया, अटेंडेंस नहीं दे पाया कल मॉर्निंग सेशन का, इवनिंग सेशन का दे दिया और पार्टिसिपेट भी किया। जूम अटेंडेंस मिल जाएगी। और एक बात मैम मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो वीडियो प्लीज नोट देयर नेम्स आल्सो, जिन जिन का स्पेशल केस है वो हम लोग वेरीफाई भी कर ले। जी सर। ओके मैडम, मैं ये पूछ रही थी फिर मैं असाइनमेंट भी सबमिट ना करूं? मैं 3 दिन मतलब 2.5 दिन नहीं रहूंगी, 2 दिन पहले नहीं रही और अभी भी मुझे वीसी में जाना है। मैम आपको जैसा ठीक लगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला रिलीविंग नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये आप ही के ऊपर है मैम, आपकी लर्निंग का है। अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे तो हम देख लेंगे, सर्टिफिकेट में अगर हम ऐड कर पाए तो देख लेंगे, बट कुछ मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा अथॉरिटी के साथ कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। मैम टोटल नंबर मैंने जो सीखा है उस पर करने की कोशिश करूंगी। जी जी मैम बिल्कुल जी। सतेंद्र जी बोलिए। जी मैम, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट कितने देने हैं? सर आप एक बार प्लीज व्हाट्सएप पढ़ लेंगे तो ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे मेरे ख्याल से, एक बार देख लीजिए, मैंने उसमें पूरी कोशिश की। मैडम लिंक ओपन करने के बाद, लिंक ओपन करने के बाद यू नीड परमिशन। या इट कम्स। क्या मैम? नीड परमिशन, इट कम्स व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक, असाइनमेंट लिंक ओपन। ठीक है, मैं उसको 5 मिनट में रिजॉल्व कर देती हूँ, देख लेती हूँ आप उसकी, मैं आई टेक केयर ऑफ इट। मैम एक रिक्वेस्ट था मैम। जी सुनील जी। ब्लेंडर का ये अगर ट्यूटोरियल सेशन हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। सर अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक शेड्यूल फिक्स है ऑलरेडी, पर नेक्स्ट टाइम कुछ होगा उस तरह का तो मैं जरूर आपको हम लोग कोशिश करेंगे इन्फॉर्म करने की, पर क्योंकि ब्लेंडर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो आप एक बार उसका ट्यूटोरियल उसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको काफी सपोर्ट मिल जाएगा उसके लिए भी। अच्छा मैं एक्चुअली मैं तो ट्राई किया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शुरुआत अगर स्टार्टिंग हो जाता तो शायद फिर बाद में उसको हम लोग इंप्रूव करें। सर हम कोशिश करेंगे आगे की ट्रेनिंग्स में जी ये नया एक एप्लीकेशन ऐड करें एनिमेशन के लिए, पर इस वक्त एकदम से तो क्योंकि हम टुवर्ड्स द लास्ट डे है तो मुश्किल होगा हम लोग के लिए उसको कर पाना। ओके थैंक यू मैम। जी मैम और एक बात जानना चाहता था मैम, ये कि जो कॉमनवेल्थ में असाइनमेंट जो दिया गया था उसको जो क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में जो कोर्स था उसको मैंने किया है, लेकिन कल से भी ट्राई कर रहा हूँ, कल शाम को भी ट्राई किया, 90% होके वो रुक गया, उसके आगे कैसे जाऊँ? उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में मैंने कोशिश किया लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है। कोई इस पे इनपुट देना चाहेगा जिस जिसने अभी किया है कि कैसे रिजोल्व कर सकते हैं इसको? मैम यदि इन्होंने डेस्कटॉप पे किया है तो वो अब एंड्रॉइड से लॉगिन कर ले सेलफोन से, और सेलफोन से किया है तो डेस्कटॉप से लॉगिन कर ले, इस तरह शायद रिजॉल्व हो जाए। अच्छा अच्छा थैंक यू सर नाइस नाइस, मैं ही सोच रहा था। जी सर हम लोग एक्चुअली एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी टेक्निकल कभी आती हैं। जी जी उसमें क्या है कि जैसे वो मोबाइल से कर रहे होंगे ना तो मोबाइल एंड्रॉइड मोड पर होगा ना तो उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, उसको डेस्कटॉप मोड भी यदि हम लोग करें मोबाइल से तो वो प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो रहा था। एक्चुअली में मेरा 60% में मेरा भी वैसे हो रहा था, 60% से आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन मैंने उसको जैसे डेस्कटॉप मोड पर रखा वो हो गया। ठीक है प्रफुल्ल सर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। एक्चुअली प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल
थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रॉब्लम डिवाइस की नहीं है, प्रॉब्लम है बैड कैश फॉर्म हो जाता है, डिवाइस बदलने से वो प्रॉब्लम दूर होता है। प्रियेश जी का एक रिक्वेस्ट आया है कि हमें असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है, इसका एक डेमो दे दिया जाए, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वो डेमो दे पाऊँ, जिससे कि आप एक क्वेश्चन था मैम। जी बोलिए सर। मैम ये असाइनमेंट में देख रहा हूँ तो फर्स्ट है OER सर्टिफिकेट, सेकंड है इन्फोग्राफिक, थर्ड में है ऑडियो और वीडियो, फोर्थ है स्टॉप मोशन H5P। तो ये मैम फोर्थ में ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि H5P प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू में ही बनाए थे, वो थोड़ा उसमें सर ऐसा है कि हर आप सभी लोग सुन लें केयरफुली, पहला OER सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को, जो दूसरा है मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके गूगल फॉर्म दिखा रही हूँ, जिससे आप लोग का जो फिलिंग वाला क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बता पाऊंगी। ये आपके सामने फॉर्म खुला हुआ है गूगल फॉर्म, मैं इसको शेयरिंग जैसे आपको फिल करना है उस विंडो पे लेके जाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको इस तरह से दिखेगा, और जिनको कोई दिक्कत आई है परमिशन की वो मैं चेक कर लूंगी। आपको अपना ईमेल आईडी देना है, फिर आपको अपना नाम लिखना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, और पहला है असाइनमेंट OER, जिन्होंने ग्रुप पे लिखा भी चैट पे लिखा था कि कैसे अपलोड करना है मुझे बता दीजिए। यहाँ ऐड फाइल करके ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे, आप अपने कंप्यूटर से वो फाइल अटैच करेंगे यहाँ पे OER सर्टिफिकेट। दूसरा असाइनमेंट है इन्फोग्राफिक कॉन्सेप्ट मैप, तो बेसिकली आपने इन्फोग्राफिक बनाना भी सीखा है और कॉन्सेप्ट मैप भी, इनमें से कोई भी एक आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरा है ऑडियो वीडियो, आपने ऑडेसिटी भी सीखा है, ओपन शॉट वीडियो एडिटर भी सीखा है, कोई भी एक रिसोर्स चाहे ऑडियो का या वीडियो का आप लोग अपलोड कीजिए। यहाँ पे है स्टॉप मोशन एनिमेशन वीडियो या H5P का लिंक जो आपने बनाया है, इन दोनों में से कोई भी एक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है, अदरवाइज आपके 8 असाइनमेंट होते तो हमने उनको क्लब करके कि आपने कोई 4 टोटल कर लेने हैं और उनको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें से एक आपका OER सर्टिफिकेट है, तो आपके 4 असाइनमेंट होते हैं इस तरह से। ठीक है, अटैच कर दी सारी फाइल्स, फिर आपको उसको सबमिट करना है। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। अब आप बोलिए क्या पूछ रहे थे मैम, जैसे ऑडेसिटी में अगर हम बनाएंगे तो वो मतलब कुछ उसका टाइम ये नहीं है, मतलब 30 सेकंड या 1 मिनट ऐसा कुछ भी, या मतलब कोई कविता अगर हम मैम मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि 2 मिनट का रिसोर्स हमारे लिए काफी है मैक्सिमम, आप छोटा भी बना सकते हैं, पर ये नहीं कि केवल अपना नाम रिकॉर्ड करके बता दे कि मेरा नाम ये है मैं एक टीचर हूँ, ऐसा नहीं करिए। आप एक कविता लें 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी ना करें बस। और मैम H5P में कितने क्वेश्चंस बनाने हैं? 5 आप लोगों से ऑलरेडी मैम ने 5 ही बनवाए, आप वो 5 भी सबमिट कर सकते हैं। मैम जी मैम जी सर, मैंने OER सर्टिफिकेट भी कर लिया है, एक लूमी पे एप्लीकेशन कर लिया है, एक कैनवा पे बना दिया है, और एक कॉन्सेप्ट मैप बना दिया है, तो इसका मतलब मेरा असाइनमेंट डन। ठीक है सर, डन। आप ऑडियो वीडियो स्टॉप मोशन कुछ बनाना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डन। नहीं तो ऑडियो वीडियो अगर नहीं बनाना चाहें मतलब सर, ऑडियो वीडियो मतलब वाला जो कैटेगरी है ना उसमें एक्चुअली आप इमेज अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो आपको ऑडियो वीडियो ही अपलोड करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है मैम। स्टॉप मोशन भी बनाया है और ये H5P भी बनाया है, पर दोनों में एक ही ऑप्शन दे दिया। हाँ कोई बात नहीं, आप स्टॉप मोशन वाला वीडियो ही तो वीडियो में अपलोड कर दीजिए। ओके थैंक यू। है तो वो वीडियो ही ना सर, आप ऐसे देखिए उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे आपको ऑडियो वीडियो में भी आप अपना वो इन्फोग्राफिक वगैरह डाल सकते हैं, मैंने ऐसा कोई ज्यादा क्लोज नहीं किया, आपकी कन्वीनियंस है वो। एक्चुअली उसमें वीडियो ऐप यूज तो किया है, क्योंकि स्टॉप मोशन में साउंड था नहीं, उसमें साउंड ट्रैक ऐड किया है, लेकिन इसीलिए वो केवल सर मैंने आपको होता क्या है, मैं बोलती हूँ कोई भी 4 असाइनमेंट डाल दीजिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं सब, तो मैंने सबके नाम लिख दिया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, आप कोई भी अपलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, असाइनमेंट मैं गूगल फॉर्म में पहले डाली थी क्विज का, तो उसको फिर से डालना होगा? बिल्कुल, उसी को फिर डाल सकते हैं उसको भी, एक असाइनमेंट वो भी डाल सकते हैं मैम, वो इंडिविजुअल
एक रिसोर्स पर्सन ने अपनी उसके लिए लिया था कि उन्होंने क्या पढ़ाया, ये ओवरऑल ट्रेनिंग का जॉइंट वो है आपका असाइनमेंट। मैम मैम हेलो मैम, हाँ जी सर बोलिए। वीडियो में यूट्यूब पे वीडियो बना हुआ उसका लिंक डाल सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं आपको अब इसी ट्रेनिंग में यहाँ के सॉफ्टवेयर जो सिखाए गए हैं उसी का अगर डालेंगे तो वो हमें पता चल जाएगा, नहीं जब डालेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। मैम वो लिंक कहाँ अपलोड करेंगे, वीडियो बना के कहाँ अपलोड करेंगे और लिंक देंगे? कौन सा लिंक सर? जैसे ये असाइनमेंट मिला, असाइनमेंट मिला उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो को किसी में गूगल ड्राइव में? सर आपको एक गूगल फॉर्म भेजा है, आप प्लीज उसको एक बार खोल के देखें, उसी में अपलोड होगा सब कुछ, यही तो इतनी देर से बात हो रही है। अपलोड हो जाएगा जी, आपको मैंने अभी खोल के दिखाया है, डेमो दिया है अभी उसका, और आप वही सवाल पूछ रहे हैं अभी। एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि सवाल खत्म हो गए हैं हमारे। मोनिका मैम प्लीज मेरा क्वेश्चन बस। गरिमा मैम आप थोड़ा सा या तो ऊंचा बोलें क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे पता है आप बोल रही हैं क्या बोल रही नहीं पता। मैम मैं अब एम आई ऑडिबल मैम? थोड़ा थोड़ा अभी मेरी पूछना चाह रही थी कि जो हम लोग ऑडियो बनाएंगे तो उसको जरूरी है कि हम उसको पहले ऑडिसिटी में जाके उसको एडिट करें और फिर भेजें, या कि ऑडिसिटी मैम एडिट तो करेंगे तभी तो उस ऑडियो को बनाने का मतलब है, नहीं तो नहीं होगा ना मैम। ओके मैम जी ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने एडिट किया है उसे? बिल्कुल पता चलेगा मैम। चीटिंग करना चाह रही है मैम। मैम ये एक सवाल था कि जो गूगल फॉर्म अभी दिए हैं, जो हमारा आईडी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसी से खुलेगा लगता है, दूसरे आईडी से नहीं खुलेगा, यही शायद रीजन है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं एक बार देख रही हूँ उसको, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। मुझे जो समझ में आ रहा है वही प्रॉब्लम है, शायद जो आईडी है उससे अगर कहीं रजिस्टर्ड होगा तो उसी आईडी से खुले। नहीं नहीं ऐसा नहीं है आपका, वैसे तो वही आईडी रहे तो बेहतर है, लेकिन मैं अभी एक बार टेस्ट करके आपको उसको रिप्लाई कर दूंगी ग्रुप पे। ऐसा नहीं है, सेम आईडी से खोला गया था पर अभी वो परमिशन मांग रहा। हाँ कुछ परमिशन मैंने नहीं ऑन की होगी, मैं चेक कर रही हूँ, प्लीज आप थोड़ी देर दीजिए, आप लंच करके आइए फिर मैंने भी वही देखा तो उसमें परमिशन रिक्वायर्ड दिया। नहीं नहीं वो हम कर लेंगे, तो अभी आप लोग का लंच ब्रेक करते हैं, 2 बजे आप शार्प आ जाइएगा क्योंकि आज जो अगला सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है हम सभी के लिए। आपको अलग अलग रूम्स में जाना होगा जूम पे, आप सब एक साथ एक सेशन अटेंड नहीं करेंगे, जो मैथ्स के टीचर्स हैं वो मैथ्स के ग्रुप में जाएंगे, जो साइंस के टीचर हैं, साइंस के हमारे पास 3 एक्सपर्ट हैं, तो आप चूज कर सकते हैं आपको किस में जाना है, सोशल साइंस का एक ग्रुप रहेगा, एक लैंग्वेजेस का ग्रुप रहेगा, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है, मान लीजिए आप कह रहे हैं फाइन आर्ट्स के हैं या कंप्यूटर्स के हैं, तो आपको जो भी उनमें से कन्वीनियंट लगे आप उस ग्रुप में जा सकते हैं। तो जो ग्रुप्स हैं वो तो फिक्स्ड हैं अभी, तो आप अपने हिसाब से उसमें कन्वीनियंट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप लंच के बाद आएंगे हम ब्रेकआउट रूम्स में जाकर अपने अपने एक्सपर्ट के साथ वो सेशन अटेंड करेंगे, तो इसीलिए हम टाइम पे ब्रेक करेंगे जिससे कि आप लोग आज एक्चुअली 2 मिनट पहले आइएगा, 5 मिनट, जिससे कि हम टाइम पे नया सेशन शुरू कर सकें और हमारा थोड़ा स्टार्टिंग टाइम उसमें 10 मिनट जाएगा ग्रुप को सेट करने में, तो उसके लिए हमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग टाइम से पहले आएंगे तो आसानी से हम ये ग्रुप क्रिएट कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम ये सेशन यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं शार्प 2 बजे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दें और सेशन विद इन 5-10 मिनट स्टार्ट कर पाए। और कोई भी सवाल अगर रह गया व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, हम लोग वहां भी रिप्लाई कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। थैंक यू मैम। आई हैव अ लास्ट मैम, आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जी मैम। या मैम द थिंग इज दैट देयर वाज एन एडवाइस इन दिस मीटिंग दैट इफ यू हैव कंप्लीटेड 90% ऑफ योर ओईआर कोर्स इन द मोबाइल थिंग एंड देन इट गॉट स्टक एंड द एडवाइस वाज बी स्विच ओवर टू द डेस्कटॉप थिंग। So I did the same just now. After closing the mobile, I went to the desktop and still it is showing that the certificate, the course has been completed 90%.
Okay, so the next 10% it is not coming. So what do I do now? मैम ऐसा करते हैं आज शाम में एक बार सेशन ओवर होने के बाद हम स्क्रीन शेयर करके आपका चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है ठीक है ओके मैम ओके राइट थैंक यू सो मच ओके मैम सो वी विल सी यू एट 155 ट्राई टू जॉइन बैक एट 155 एंड देन वी विल ब्रेक आउट इन रूम्स एंड देन वी विल गो फॉर एक्सपर्ट सेशंस थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल्सो आई थिंक आई हैव मिस्ड थैंकिंग आवर रिसोर्स पर्सन फॉर दिस सेशन आई एम सो सॉरी I